आज हरियाणा सरकार के जो वर्तमान सरकार का मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, इसके 5 वर्ष पूरे करने की दिशा में जो अंतिम क्वार्टर है, क्योंकि वित्त मंत्री के नाते क्वार्टर टू क्वार्टर की भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, अंतिम क्वार्टर है वो, उसमें हम प्रवेश कर गए। जुलाई अगस्त सितंबर का जो तिमाही है ये पूरा होते होते भारत के संविधान के निर्देशानुसार आचार संहिता लगने का हम सब आप सब अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसे में कार्य करने वाले जो तिमाही जो क्वार्टर हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं, आधा अधूरा एक बचा है। और आज मैं बड़े संतोष के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2014 के अक्टूबर माह में हरियाणा के मालिकों ने, हरियाणा की जनता ने जिस आशा, जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया था, हमने जनाकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का रात दिन प्रयास किया है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक टीम भावना के तहत काम किया है और एक टीम हरियाणा के तौर पर हम सब ने मिलकर के काम किया है, और जिसका परिणाम यह है कि हरियाणा की राजनीति में जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आज ये तमाम प्रकार के दोष हरियाणा की राजनीति से प्राय लुप्त होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति का सफाया वह प्रदेश की जनता ने शुरू किया था और अब वो लगभग सफाई की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। जनता ने सत्ता बदली थी, हमने व्यवस्था बदलने का काम किया है और हमें बड़ी खुशी है कि जहां राजनीतिक संस्कार में सुधार आया, वही अफसरशाही, वही अफसरों की टीम, वही कर्मचारियों की टीम, उसके साथ में हमारी सरकार ने प्रशासकीय संस्कृति में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने में हम कामयाब हुए हैं। जहाँ 2014 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दृश्य मुझे याद आता है कि न तो हरियाणा के स्कूलों के छात्रों का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर उपलब्ध था, न उनकी संख्या की स्पष्टता थी, न राशन कार्ड के माध्यम से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन लेने वाले लोग थे उनकी संख्या की कोई स्पष्टता थी। हरियाणा के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, न रजिस्ट्री ऑनलाइन थी, न जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है न उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन थी। तो कुल मिलाकर के सरकार वह जिन डाटा के आधार पर योजना बनाती थी, काम करती थी, वो डाटा की उपलब्धता ना होना और जो कंप्यूटर पर उपलब्ध ना होना और जो डाटा उपलब्ध था उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उस डाटा की जो वेरिफिकेशन के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। हमारी सरकार ने उसको आधार लिंक करके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सरकार की सुविधाएं, सरकार की सेवाएं, उस दिशा में क्रांतिकारी कदम बढ़ाए। और सरकार आपके द्वार ये कोई नारा नहीं, बल्कि सरकार आपकी हाथ में, हथेली में, मोबाइल में सैकड़ों के करीब सुविधाएं, जो जन सुविधाएं हैं, वो सीधे सीधे ऑनलाइन उपलब्ध करा करके आम नागरिक को सशक्तिकरण करने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली
एनडीए सरकार के प्रथम कार्यकाल में जो जनधन योजना हुई, आधार को सुदृढ़ करने का काम हुआ, उज्ज्वला स्कीम हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की स्कीम हुई, मुद्रा योजना, विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम्स, इन सब जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आई और उससे आगे बढ़ करके जीएसटी की क्रियान्वयन, उसमें हरियाणा ने बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सरकार का लगातार 4.5 साल यह प्रयास रहा कि सरकार के खजाने से निकला हुआ पैसा वह लाभार्थी के पास सीधा पहुंचे बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी बीच में कोई भी लेयर नहीं, और जिसके सुखद परिणाम सामने आए कि लीकेज, पिल्फरेज और वेस्टेज पर प्रचंड प्रहार किए गए जिसके कारण से पैसा बचा और ज्यादा लाभ जो जनता को दे पाए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रशासनिक संस्कृति जो डिलीवरी का, जो पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी का कल्चर है, उसको आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के ऐसा सरकार का जिला और नीचे स्तर तक का अधिकारी कर्मचारी वह पूरी तरह से विजन अलाइनमेंट में काम करता हुआ नजर आया। आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई गिरदावरी, जमाबंदी पूरी ऑनलाइन, इंतकालों की पेंडेंसी लगभग जीरो के बराबर, रजिस्ट्री पूरी ऑनलाइन, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पूरा ऑनलाइन, आज अनेक विभागों में जो कमियां भी पकड़ी जा रही हैं तो वो सीधे सीधे ऑनलाइन कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होने के कारण वो कमियां भी पकड़ में आती हैं, जिस पर प्रहार होता है, जिस पर कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर के एक वेल गवर्न्ड स्टेट, एक सुराज और सुशासन, वह हमारा मुख्य हेतु रहा, लक्ष्य रहा, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काम किए। और वर्गों की दृष्टि से जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, जितनी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर के जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, हर वर्ग में पहली बार हरियाणा में श्रमिकों के लिए योजनाएं, न केवल वह श्रमिकों के सम्मेलन करते हुए जिला स्तर पर सीधे सीधे उनके जो बेनिफिट मिलते थे वो बिचौलियों के माध्यम से नहीं, सीधे उनको वितरित किए गए, ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का एक जबरदस्त उपयोग श्रमिकों के हित में वो किया गया, और मिनिमम वेजेस का जो 30-40 साल से एक पेंडिंग इशू रहता था कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता था, हमने हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों की मिनिमम वेजेस का उसको सीधे सीधे जो CPI WPI है, वो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की दर है, जो मुद्रास्फीति है, उससे लिंक कर दिया परमानेंट, ताकि आगे कभी भी मिनिमम वेजेस के लिए कोई आपको कमेटी बिठाने के लिए दिक्कतें नहीं आएंगी। वहीं किसानों को पिछले 5 वर्षों में कभी खाद की, पानी की, बिजली की, अपने फसल के बेचने की, फसल के प्राकृतिक कारणों से वैसे नुकसान के मुआवजे को लेकर के कहीं भी किसानों को कोई बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ 2014 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दृश्य मुझे याद आता है कि न तो हरियाणा के स्कूलों के छात्रों का रिकॉर्ड कंप्यूटर पर उपलब्ध था, न उनकी संख्या की स्पष्टता थी, न राशन कार्ड के माध्यम से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन लेने वाले लोग थे, उनकी संख्या की कोई स्पष्टता थी। हरियाणा की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, न रजिस्ट्री ऑनलाइन थी, न जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, न उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन थी। तो कुल मिलाकर के सरकार वह जिन डाटा के आधार पर योजना बनाती थी, काम करती थी, वो डाटा की उपलब्धता ना होना, और जो कंप्यूटर पर उपलब्ध ना होना, और जो डाटा उपलब्ध था
उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उस डाटा की जो वेरिफिकेशन के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। हमारी सरकार ने उसको आधार लिंक करके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सरकार की सुविधाएं, सरकार की सेवाएं, उस दिशा में क्रांतिकारी कदम बढ़ाए। और सरकार आपके द्वार ये कोई नारा नहीं, बल्कि सरकार आपकी हाथ में, हथेली में, मोबाइल में सैकड़ों के करीब सुविधाएं, जो जन सुविधाएं हैं, वो सीधे सीधे ऑनलाइन उपलब्ध करा करके आम नागरिक को सशक्तिकरण करने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रथम कार्यकाल में जो जनधन योजना हुई, आधार को सुदृढ़ करने का काम हुआ, उज्ज्वला स्कीम हुई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की स्कीम हुई, मुद्रा योजना, विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम्स, इन सब जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं आई और उससे आगे बढ़ करके जीएसटी की क्रियान्वयन, उसमें हरियाणा ने बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाई। और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सरकार का लगातार 4.5 साल यह प्रयास रहा कि सरकार के खजाने से निकला हुआ पैसा वह लाभार्थी के पास सीधा पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी बीच में कोई भी लेयर नहीं। और जिसके सुखद परिणाम सामने आए कि लीकेज, पिल्फरेज और वेस्टेज पर प्रचंड प्रहार किए गए, जिसके कारण से पैसा बचा और ज्यादा लाभ जो जनता को दे पाए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रशासनिक संस्कृति, जो डिलीवरी का, जो पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी का कल्चर है, उसको आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के ऐसा सरकार का जिला और नीचे स्तर तक का अधिकारी कर्मचारी वह पूरी तरह से विजन अलाइनमेंट में काम करता हुआ नजर आया।